नमस्कार दोस्तों, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमय और आजकल कमेंट बॉक्स में मुझे काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी आने से एनिमेशन के करियर पे कुछ खतरा आ सकता है क्या। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आज जो आप एनिमेशन कर रहे हो, 3D एनिमेशन या फ्लैश में आप 2D एनिमेशन कर रहे हो, वो भी एक टेक्नोलॉजी की देन है। क्योंकि जब एनिमेशन शुरू हुआ था तब कंप्यूटर्स नहीं थे और आर्टिस्ट को हर एक फ्रेम हाथ से ड्रॉ करना पड़ता था। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आप जो एनिमेशन कर रहे हो वो कंप्यूटर पे कर रहे हो, की फ्रेम एनिमेशन, और बीच के जो इन बिटवीन फ्रेम्स है जो पुराने आर्टिस्ट ड्रॉ करते थे वो आज आपको कंप्यूटर रेडीमेड दे रहा है, जिसको हमें सिर्फ ट्विक करना होता है। तो इसमें हमारा जो टाइम और हमारी जो मेहनत है वो काफ़ी हद तक बच जाती है। तो ये हमें टेक्नोलॉजी की देन है। अब बात करते हैं मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी। मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी जो ये चीज़ है कि एक मोशन कैप सूट दिया जाता है, फिर एक्टर अपनी हलचल करता है और वो पूरा डाटा कंप्यूटर कैप्चर कर उसका एक एनिमेशन बना देता है। इसमें एनिमेटर्स की वैसे देखा जाए तो ज़रूरत नहीं होती, जो भी काम करता है वो एक्टर करता है। पर बात ये है कि इसी बात से कुछ एनिमेटर्स परेशान हो जा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि अभी एक्टर सूट पहन के एक्टिंग करेगा और हमें इंडस्ट्री में कोई पूछेगा नहीं। तो ऐसी बात नहीं है। देखो, मशीन हर चीज़ सही तरीके से नहीं करती। उस मशीन को हैंडल करने के लिए वापस से उन्हें एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, और यहाँ पे ऑपरेटर मतलब एनिमेटर होगा। तो आपको वहाँ पे आपकी वहाँ पे ज़रूरत होने ही वाली है, आपकी पड़ने वाली है। तो बात यह है कि आपका जो काम करने का तरीका है उसमें थोड़ी सी आपको सुकून होगा, शांति होगी और उतना हेक्टिक जॉब नहीं रहेगा जितना पहले हुआ करता। अब बात करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का प्रसार कैसे हो रहा है। देखो, क्लासिकल एनिमेशन जो वॉल्ट डिज्नी जमाने में हुआ करते थे वो आज भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि ये कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी बढ़ने से या आने से वो फील्ड एकदम से बंद हो गया और वैसे फिल्में निकालना सबने बंद किया। आज भी 2D एनिमेशन फिल्में बनती हैं, वैसे ही 3D एनिमेशन फिल्में आज हम जैसे बना रहे हैं वैसे बनाते रहेंगे। और मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ यूज़ होने वाली है वो वहाँ पे वो लोग यूज़ करेंगे। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी ज़्यादातर फिल्मों में यूज़ होती है। वो जो बड़े बड़े पैनल के फिल्म्स होते हैं, जैसे बाहुबली में यूज़ हुई है, रॉबर्ट में यूज़ हुई है, हॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मों में यूज़ हुई है, मैट्रिक्स में यूज़ हुई है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में। लेकिन फिर भी वहाँ पे की फ्रेम एनिमेशन पिक्सार तो निकाल रहा है ना, 3D एनिमेटर्स। हमारे इंडिया में आज भी हंगामा वगैरह जैसे टीवी पे छोटे छोटे सीरियल्स निकल रहे हैं ना, मोटू पतलू वेतर रॉबर्ट जैसे, तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। अब अभी भी छोटा भीम निकल रहा है, बाल हनुमान निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपने जगह पे सही है। तो इससे आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है ना डिस्टर्ब होने की ज़रूरत है। आप अपना काम करते रहिए, आप जिस फील्ड में हो, जिस इंस्टीट्यूट में आप जो एनिमेशन सीख रहे हो, कोई 2D एनिमेशन सीख रहा है, कोई 3D एनिमेशन सीख रहा है, वो मन लगा के अपना काम करो। क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ते जाएगी, लेकिन हमारा काम है कि हम अपने फील्ड में अच्छे से अच्छा करें, ताकि कल जाके अगर टेक्नोलॉजी आगे भी बढ़ती है तो वहाँ पे उसको संभालने के लिए लोग हमारी तरफ देखें, हमारी तरफ आए और हमें वहाँ पे हमारी वहाँ पे ज़रूरत पड़े। तो ये एटीट्यूड से आपको अभी रहना है और अपना काम करना है। टेक्नोलॉजी की चिंता मत करें, आप अपना स्किल सेट और एनिमेशन पे जो आपकी कमांड है, टेक्निकल है या क्रिएटिव कमांड है, जो भी आपकी कमांड है उसको आप स्ट्रॉन्ग करें। तो यही मेरी आपके लिए सलाह होगी। तो हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को अटेंड करने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहे ताकि मैं आपके कमेंट्स के जवाब दे दूं, और जो भी आपके मन में डाउट है वो मैं सारे जल्दी से जल्दी क्लियर करने का प्रयास करूं। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।